CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संघर्षों की बुनियाद पर कामयाबी की कहानी मिल्खा सिंह। कौन लड़का है जो मेरी जगह ले सकता है, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं कि जो आदमी हासिल ना कर सके। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना। तो साथियों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बल्कि वे लगातार संघर्ष करते रहे और अपने लक्ष्य को हासिल करके सबके लिए मिसाल बन गए, उदाहरण बन गए। हाँ साथियों, कहते हैं सफलता उन्हीं का पीछा करती है जो सफलता का पीछा करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सर्वोपरि होता है उनका लक्ष्य, जो वे कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के शब्दकोश में उनके उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता। हाँ साथियों, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पाँव में पंख लगे हैं। खेल जगत में वे एक मिसाल थे और अपने जीवन से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। जी हाँ दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, उस महान एथलीट का नाम है मिल्खा सिंह। 400 मीटर स्प्रिंट चैंपियन मिल्खा सिंह ऑफ द सर्विसेज विंस, टाइमिंग 47.4 सेकंड। हाँ साथियों, ये वही मिल्खा सिंह हैं जिन्हें उड़न सिख या फ्लाइंग सिख के विशेषण से सम्मान दिया गया। इस धावक का नाम भारतीय एथलेटिक्स में किसी नक्षत्र की तरह उदीयमान रहेगा और विश्व एथलेटिक्स में उन्हें 200 और 400 मीटर की दौड़ में शानदार कीर्तिमानों के लिए याद किया जाएगा, जिसे प्राप्त करना किसी भी धावक का सपना होता है। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को अविभाजित भारत के गोविंदपुर कस्बे में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वे एक सिख जाट परिवार से थे। उनका बचपन बहुत सुनहरा था। भारत के विभाजन से पहले जब मिल्खा सिंह 5वीं कक्षा में थे, तब उनका स्कूल कोट अड्ड नामक गांव में था, जो उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। जानने वाले बताते हैं कि उन दिनों मिल्खा सिंह अपने स्कूल की 10 किलोमीटर की दूरी का सफर रोज नंगे पांव तपती रेत पर दौड़ते हुए पूरा करते थे। वे खुद बताते हैं कि मई और जून के महीने में तो जमीन इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर पांव रखना भी मुश्किल होता था। लेकिन किसे पता था कि उनका यही अनुभव उनके काम आएगा। खुद मिल्खा सिंह के शब्दों में, प्रतिदिन दौड़ने के इस अभ्यास के कारण मेरा स्टेमिना बहुत बढ़ गया था और शायद इसी अनुभव ने मुझे भविष्य में खेल दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। ये उस समय की बात है जब भारत का विभाजन हुआ। तब आज की तरह अखबार और सूचना के उतने अन्य साधन नहीं थे जितने आज हैं। गांव के लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती थी। उन्हें किसी बाहरी घटना का पता तब चलता था जब कोई गांव से सामान लेने शहर जाता था। उनके गांव गोविंदपुर में और आसपास के बहुत से गांवों में लोगों को यह पता भी नहीं था कि विभाजन हो चुका है। वहां सभी मेल प्रेम से रहते थे। विभाजन के बाद भयानक दंगे शुरू हो चुके थे। एक दिन उनके गांव में लोगों की बड़ी भीड़ आई। वे हथियारों से लैस थे। वे विभाजन की बात कर रहे थे। एक स्थानीय नेता ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसी समय मार दिया गया। गोविंदपुर गांव में भी दंगे शुरू हो गए। मिल्खा सिंह के माता पिता भी उस दंगे में मारे गए। मिल्खा सिंह बताते हैं, मैंने अपने पिता को बहुत बहादुरी से लड़ते हुए देखा। मरने से पहले मेरे पिता के अंतिम शब्द थे, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह ने पास के जंगल में भागकर अपनी जान बचाई और रात भर वहीं छुपे रहे। भाग मिल्खा भाग, शायद
यही वाक्य मिल्खा सिंह के जीवन का सूत्र बन गया और उन्हें जीवन भर प्रेरित करता रहा। वे अपने माता पिता और परिजनों को खो चुके थे। कुछ समय तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। आखिरकार एक दिन उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और अंततः वे शरणार्थी बनकर भारत आ गए। वे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरे, लेकिन मुश्किलें बहुत थीं। उस समय हैजा महामारी तेजी से फैल रही थी। मिल्खा सिंह हजारों शरणार्थियों के साथ 3 सप्ताह तक रेलवे स्टेशन पर ही रहे। अपने जीवन में उन्हें उम्मीद की छोटी सी किरण तब दिखाई दी जब शरणार्थियों की भारी भीड़ में एक दिन लाउडस्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए। पुकारे जाने वाले उन नामों में उनकी बहन का नाम भी था। वे अपनी बहन से मिले और दोनों भाई बहन दिल्ली के पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल दिए। अब शुरू हुआ उनके जीवन का असली संघर्ष। उन्होंने 10 रुपये महीना वेतन पर एक दुकान में सफाई का काम किया और साथ ही साथ एक विद्यालय में दाखिला भी लिया। जीवन का संघर्ष कठिन से कठिन होता जा रहा था। इसी बीच मिल्खा सिंह को पता चला कि भारतीय सेना में जवानों की भर्ती हो रही है। उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन शायद नियति को इस समय यह मंजूर नहीं था। वे लगातार 3 बार असफल रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथी बार में आखिर 1952 में उनका चयन भारतीय सेना में हो गया। साथियों, अब एक इतिहास की शुरुआत होने वाली थी। उन्हीं दिनों सेना में एक दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें पूरी ब्रिगेड के सैकड़ों जवानों ने हिस्सा लिया और मिल्खा सिंह ने जो यहां से दौड़ना शुरू किया तो फिर खेल और जीवन दोनों के ट्रैक पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो मिल्खा सिंह ने खेल और जीवन के ट्रैक पर ऐसी अमर गाथा लिखी जिसने उन्हें भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष बना दिया। तो मैं आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वहां पे क्रॉस कंट्री के अंदर पहली बार दौड़ाया। दौड़ाने के बाद उन्हें पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं कुछ कर सकता हूं, और मैंने कोशिश की और यहां तक मैं पहुंचा। मिल्खा सिंह ने कुल 200 मीटर और 400 मीटर की 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में हिस्सा लिया जिसमें से 77 दौड़ों में उन्होंने जीत हासिल की। मुख्य रूप से 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में फर्राटेदार जीत के साथ उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया और वो कीर्तिमान आज भी कायम है। मिल्खा सिंह ऑफ द सर्विसेज विंस। यही नहीं, 1960 के भारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट में उन्हें आमंत्रित किया गया। यहाँ उनका मुकाबला पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक से हुआ। उस समय तक अब्दुल खालिक एशिया के सबसे तेज और बेहतरीन धावक माने जाते थे। वे मिल्खा सिंह को हल्के में ले रहे थे। इस एथलेटिक्स मीट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिताएं थीं। मुकाबले के दिन स्टेडियम खचाखच भरा था। लोग बड़ी बेसब्री से दौड़ के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। दौड़ शुरू हुई। इस रोमांचकारी दौड़ में जब मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया तो जनता की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अब्दुल खालिक बहुत पीछे रह गए थे और मिल्खा सिंह ने बड़ी आसानी से उन्हें पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगा मानो मुकाबला तो था ही नहीं। इस दौड़ को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान भी देख रहे थे। वे उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उसी समय उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया। इस विजय के बाद मिल्खा सिंह एशिया के सबसे तेज धावक बन गए। इससे पहले मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में, 1960 में रोम ओलंपिक में और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चैंपियन मिल्खा सिंह। रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं पाने का उन्हें हमेशा मलाल रहा। टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक नया इतिहास बनाया। इस खेल के दौरान स्वयं जापान के सम्राट ने उन्हें स्वर्ण पदक पहनाया।
मिल्खा सिंह खुद बताते हुए उस घटना के बारे में कहते हैं, उस दिन जापान के सम्राट ने स्वर्ण पदक पहनाते समय मुझे कहा था, यदि तुम दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का स्थान प्राप्त हो सकता है, इसलिए मिल्खा दौड़ना जारी रखो। उनकी अप्रतिम प्रतिभा के कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, मिल्खा सिंह फेमस इंडियन एथलीट रिसीव दिस अवार्ड। खेलों से सेवानिवृत्ति के बाद वे लंबे समय तक पंजाब सरकार में खेल निदेशक के पद पर रहे। 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। देश और विश्व खेल जगत उन्हें सर्वदा सम्मान के साथ याद करता रहेगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, आपको हमारा सलाम। संघर्षों की बुनियाद पर कामयाबी की कहानी, मिल्खा सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण अमित कुमार, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।